इसके बारे में कितना एंजॉय किया इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनके, और जो आपका इक्वेशन था कोस्टार के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में बताइए। जी बहुत मज़ा आया, हमारी फिल्म का नाम है आप ही जाओ पिया और 7 अक्टूबर को फिल्म आ रही है। बहुत मज़ा आया शूट करते टाइम, क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड है और झारखंड में जहाँ हमने शूट किया है वहाँ बहुत ही बढ़िया स्रोत हैं हमारे पास नेचर के, जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। काफ़ी सारी वर्जिन प्लेसेस थी जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अभी तक हमने देखे नहीं है। जी जी आइए आइए। सर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आप लोग फिर भी प्लांटेशन भी कर रहे हैं क्या? आने दीजिए, बनाने दीजिए। चलिए नमस्कार। तो सर जानना चाहूँगा थीम क्या बेसिकली झारखंड में है, क्या ये रूरल बैकग्राउंड पे बेस्ड मूवी है, क्या है? फिल्म जो है आज के ज़माने की ही फिल्म है, लेकिन क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो दो तरीके का खाना होता है, एक होता है पिज़्ज़ा बर्गर और एक होते हैं दाल चावल। तो एक भारत वो भी है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों से दूर होता जा रहा है, जहाँ एक मासूमियत होती है, एक इनोसेंस होती है, जो एक गांव में एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आज भी आपस में बात करते टाइम कहीं ना कहीं शर्माते हैं, उनमें एक संकोच होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो उस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मॉडर्न ज़माने में कहीं गुम होती जा रही हैं, तो उसको एक तरीके से एक उस पहलू को भी दिखाने की कोशिश की गई है। एंड इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी विच हैज़ ऑल द एलिमेंट इन इट। मैम, व्हाट डू यू थिंक पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट देव सर, अबाउट द प्रोड्यूसर डायरेक्टर? काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट करके मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी थी, तो एक्सपीरियंस मिलने का मतलब एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। और डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर बहुत ही सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को एक्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे डर नहीं लगा फर्स्ट प्रोजेक्ट में, बहुत ही मज़ा आया काम करके। एक्चुअली इस फिल्म को जो बनाने का जो मेन पर्पस था हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से, क्योंकि राइटिंग स्क्रिप्ट उन्हीं लोगों की तरफ से आई थी, कि हम लोग गाँव को कैसे अच्छे से एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। तो गाँव को जो मैसेज देने का था, एक तो सबसे बड़ी गाँव की जो सुंदरता है वहाँ की, जो उसको कैसे संरक्षण किया जाए, गांव की सुंदरता और गांव के बाद जो प्राकृतिक संपदा है वहाँ पे, उसको कैसे संरक्षण किया जाए, और उसको संरक्षण करने में जो आज के युवा पीढ़ी का जो योगदान है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यही कोशिश किया कि इस फिल्म में युवा पीढ़ी का जो गांव की सुंदरता, उसको संरक्षण देने के लिए, उसकी संपदा को संरक्षण देने के लिए कितना योगदान वो दें, ये हमारा एक फिल्म का मेन मकसद है और मेन इसका। सर यहाँ पे प्लांटेशन करने का क्या है? हम पेड़ बचाओ का जो अभियान हम चला रहे हैं, कि बहुत लोग काट रहे हैं पेड़, जिसकी वजह से हम बहुत नुकसान में पड़ रहे हैं, लोग नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। तो गांव ये प्लांट्स को किस तरह से बचाया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी फिल्म में एक सीन भी है जिसको गांव किस तरह से प्लांट्स को बचाया जाए, वो कैसे बचाया जाए, कैसे कैसे हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है वो कैसे उसको एक्शन लेता है, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करवाता है, लोगों से कहता है मत करो, ये तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पे पट्टियाँ बधी हुई हैं। तो गांव का, हमारे झारखंड का एक बहुत अच्छा एक वो भी है कि वहाँ पे लोग पेड़ को एक पट्टी से बांधते हैं, एक रिबन बांधते हैं, और रिबन बांध के लोग ये कहते हैं भाई ये हम इसकी सुरक्षा हम करेंगे, ये वहाँ की संबंध। लेकिन झारखंड से ताल्लुका तो झारखंड में कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी आए हैं, आगे चल के कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उनके लाइफ को लेकर? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे प्रोड्यूसर का नेक्स्ट प्लान है इस पूरे झारखंड बेस ही करना है, बट वो एक नक्सल जो नक्स वहाँ जान झारखंड ज़्यादातर लोग जानते हैं, नक्सल वहाँ पर काफ़ी रहा, हालाँकि आज बहुत कम हो गया है, बट नक्सल पर एक लव स्टोरी बनाने की प्लानिंग है। नहीं ये जो पिक्चर की स्टोरी भी अच्छी है कि गांव का संवर्धन होना चाहिए, गांव की जो संस्कृति है, गांव की जो गांव में जो खेती करते लोग हैं और गांव का जो माहौल है वो दिखाना बहुत ज़रूरत है। और पेड़ों का रक्षण तो करना ही चाहिए कि पर्यावरण का रक्षण करके हम पूरे संस्कृत विश्व को एक अच्छा संदेश दे सकते। देव सर से पूछते हैं। देव सर
दरअसल जानना चाहूँगा जी, तो क्या क्राइटेरिया है आज के दौर में, किस तरह के प्रोजेक्ट बेसिकली आप करना चाहते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया लेके नहीं चल रहा हूँ मैं, चाहता हूँ कि मेरा हर काम मेरे पिछले काम से अलग हो। बहुत सारे मॉडर्न रोल्स किए हैं, बहुत सारे ऐसे रोल किए हैं जहाँ मैं खुद से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं उसी इमेज से बिलोंग करता हूँ। ये एक ऐसा रोल था जो मैं एक शहर दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और कहाँ मुझे एक गांव का लड़का बनना है और उसकी सादगी उसकी सरलता को दिखाते हुए किस तरीके से एक इंसान की खूबियाँ दिखानी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ना मैं वहाँ की भाषा इतने अच्छे से जानता हूँ। तो थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर, इन्होंने वर्कशॉप के दौरान काफ़ी काम किया मुझ पर और कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि आज कौशल जो है देव इस बार आपको कौशल के रूप में नज़र आएगा। तो सिलेक्शन बेसिकली इसी बेसिस पे करता हूँ मैं कि मेरे पिछले रोल से ये अलग हो। आपकी डेब्यू फिल्म लेकिन देवसर ने पहले भी काम किया, कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये बात क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं? ऐसे काफ़ी सीन्स भी आए और बहुत, मुझे इतना नॉलेज नहीं था पहले, लेकिन मैंने, इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, समझाया कि नहीं ये सीन में ऐसा इनपुट डालो, ऐसा करो तो काफ़ी अच्छा आएगा, लोग पसंद करेंगे। तो मतलब हर जगह पे इन्होंने मेरी मदद की और डायरेक्टर सर ने भी मदद की, तो थैंक्स टू देम। तो रिलीजिंग प्लानिंग बताइए क्या होती है, थिएटर्स में करने वाले हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? ये ऑल ओवर इंडिया हम लोग रिलीज कर रहे हैं, के सेरा सेरा रिलीज कर रहा है इसे और हम अभी प्रमोशन में भी कई जगह जाने वाले हैं, करने वाले हैं। तो 7 अक्टूबर को हम रिलीज कर रहे हैं इस फिल्म को। थैंक यू सो मच।